महेंद्र सिंह धोनी एक 42 साल क्रिकेटर ने हार्दिक पांड्या को जबरदस्त 3 छक्के लगाए। जी हां दोस्तों, लगातार 3 छक्के लगाकर हार्दिक पांड्या की बोलती बंद कर दी। आखिरी 2 से 3 ओवर में रन नहीं बन रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी आए और उधर से हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर लेकर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या को लगातार 3 छक्के जड़ दिए। महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ 4 बॉल्स खेली और 20 रन बनाए, महत्वपूर्ण 20 रन बनाए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में ये खबर जब फैली, पाकिस्तानी फैंस ने जब महेंद्र सिंह धोनी को देखा तो खुशी से झूम उठे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में महेंद्र सिंह धोनी को आज भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी जब खेलने के लिए आए तो उन्होंने आते ही 3 छक्के लगाए, जिससे फैंस काफी ज्यादा खुश हुए। लेकिन वहां पर एक और फैन भी खुश हुआ था। कौन सा फैन था वो दोस्तों? वो फैन था रोहित शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही धोनी ने 3 छक्के लगाए थे, मुंबई इंडियन के फैन जो मैच देख रहे थे वो भी खुश हो गए, क्योंकि वो छक्के जो थे हार्दिक पांड्या को लगाए गए थे। जबकि उसके फैन चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या की जगह पर रोहित शर्मा कप्तान हो। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ग्राउंड में जलील हो रहे थे और मुंबई इंडियन के फैन जो थे वो बजाय अफसोस के खुशी से निहाल थे, क्योंकि वो रोहित शर्मा को कप्तान देखना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या को 3 छक्के लगे, लेकिन जब हार्दिक पांड्या की बैटिंग आई तो वो सिर्फ 2 रन ही बना सके। जी हाँ दोस्तों, जबकि रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने जबरदस्त बैटिंग की है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के 3 छक्के जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग के बहुत काम आए और मुंबई इंडियन को एक हो गई है करारी शिकस्त, जिसकी वजह बताई जा रही है हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, हार्दिक पांड्या की बैटिंग। शाबाश महेंद्र सिंह धोनी, शाबाश रोहित शर्मा।